तो दोस्तों अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे हो जाने के बाद जिस बात का डर था दोस्तों वही हुआ। जिस तरह से दोस्तों कल काबुल एयरपोर्ट पर सिलसिलेवार तरीके से धमाके हुए, क्योंकि दोस्तों उस समय काबुल एयरपोर्ट पर बहुत भारी भीड़ जमा थी और दोस्तों अमेरिकन मरीन कमांडो काबुल एयरपोर्ट की निगरानी कर रहे थे। इस धमाके में जहाँ 13 अमेरिकन मरीन कमांडो की मृत्यु हो गई, वहीं दोस्तों 103 आम नागरिक भी मारे गए और कई बुरी तरह से जख्मी हो गए। इस हमले के बाद जहां विश्व भर में इस हमले की निंदा हो रही है, और वहीं दोस्तों इसके लिए आईएसआईएस खुरासान के साथ साथ तालिबान को भी जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। इस हमले के बाद दोस्तों जो बाइडन ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा कि हम अपने सैनिकों की शहादत को कभी नहीं भूलेंगे और जहाँ भी आईएसआईएस खुरासान के आतंकवादी छुपे होंगे उनको ढूंढकर मारेंगे। दोस्तों जो बाइडन के संबोधन के कुछ देर बाद ही तालिबान का बयान आया, जिसमें तालिबान ने कहा कि काबुल एयरपोर्ट के बाहर तालिबान लड़ाके एयरपोर्ट की सुरक्षा में लगे हुए थे और इस बम धमाके में तालिबान लड़ाकों की भी जान गई है। तालिबानी प्रवक्ता जबीहुल्ला मुजाहिद ने कहा कि हमने अमेरिका को पहले से ही काबुल एयरपोर्ट पर होने वाली संभावित हमलों की पहले से ही जानकारी दे दी थी। जबीहुल्ला ने कहा कि हम अंतर्राष्ट्रीय मापदंडों नियमों का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध है और किसी भी आतंकवादी गतिविधियों के लिए अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल नहीं करने देंगे। वहीं दोस्तों तालिबानी प्रवक्ता ने कहा कि इस एयरपोर्ट की पूरी सुरक्षा की जिम्मेदारी अमेरिकी सैनिकों के पास थी। हामिद करजई एयरपोर्ट के पास हुए बम धमाके की जिम्मेदारी आईएसआईएस के खुरासान ने ली है। दोस्तों आईएसआईएस खुरासान आईएसआईएस का ही एक पार्ट है, जिसमें पाकिस्तान के आतंकवादी और अफगानिस्तान के आतंकवादी शामिल हैं। इसका मुख्यालय अफगानिस्तान के नगहार राज्य में स्थित है, जिसकी सीमाएं पाकिस्तान से मिलती हैं। तालिबानी कमांडर मुल्ला उमर की मृत्यु के बाद तालिबान के बहुत से आतंकवादी आईएसआईएस खुरासान में शामिल हो गए थे, इसीलिए आईएसआईएस खुरासान भी तालिबान से निकला हुआ आतंकवादी संगठन है। दोस्तों अब से कुछ साल पहले जब अमेरिकन सैनिकों को पता चला कि आईएसआईएस खुरासान नगहार की एक गुफाओं में छुपे बैठे हैं, तो अमेरिका ने मोर्टार बम से अटैक किया था, जिसमें आईएसआईएस को भारी नुकसान हुआ था और अमेरिका ने मान लिया था कि उसने आईएसआईएस को अफगानिस्तान से पूरी तरह से सफाया कर दिया है। पर अब 4 साल बाद आईएसआईएस खुरासान द्वारा काबुल एयरपोर्ट पर आत्मघाती हमले में 13 अमेरिकन मरीन कमांडो को मारकर अमेरिका से अपना बदला ले लिया है। तो दोस्तों क्या अमेरिका को तालिबान की बातों पर भरोसा करना चाहिए या नहीं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। साथ ही दोस्तों अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना मत भूलना। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, वंदे मातरम। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।